हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th मैथ बच्चे, जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 8.4 चल रही है, जिसमें बेटा हमने काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो कर लिए हैं। यहाँ तक बेटा आपका ये क्वेश्चन पेंडिंग है, मुझे पता है थोड़ा सा लेंथी है, इसके ऊपर अलग वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। आज मैं आपसे यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं कवर हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन उठा रही हूँ बेटा, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसका आंसर हमने टेन थीटा के इक्वल लेके आना है, ठीक है। उसके बाद मैं साथ में ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आपका नेक्स्ट वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी उतार रखे हैं, बस हम इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर तीसरा हुआ तो हम तीसरा भी कर लेंगे। तो देखो बेटा, ये आपका क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 साइन जो है आपका, सॉरी बेटा यहाँ पे मिस्टेक है, 2 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। तो बेटा मैंने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड उठाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड उठाई यानी कि साइन थीटा माइनस 2 साइन की पावर 3 थीटा, और नीचे क्या है मेरा 2 कोस की पावर, यहाँ पे बेटा 3 थीटा है, 2 कोस 3 थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, इसको उठाया मैंने। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व मैं कैसे कर रही हूँ, मैं सबसे पहले नीचे से साइन थीटा कॉमन निकाल रही हूँ, ठीक है। साइन थीटा को कॉमन निकाल दिया, अब आगे क्या है 1 माइनस 2 साइन थीटा, साइन की पावर 3 है, सॉरी बेटा हाथों में चोक लगा पड़ा है। देखो 2 साइन की पावर जो, ये जो है साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है, ये डाल दिया, और नीचे क्या है मैंने कोस थीटा कॉमन निकाल दिया, और 2 कोस स्क्वेयर बच गया बेटा अंदर, 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इतना करने के बाद बेटा आपने क्या करना है, साइन थीटा को वैसे ही छोड़ दिया 1 माइनस 2, क्योंकि अब मैंने ना आपको ये चीज़ समझाई हुई है कि कोस स्क्वेयर प्लस साइन स्क्वेयर ये आपका 1 के इक्वल है, तो यहाँ से आप साइन स्क्वेयर की जब वैल्यू निकालोगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगी भाई, 1 माइनस कोस स्क्वेयर के इक्वल आ जाएगी ना। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 1 माइनस कोस स्क्वेयर ए, ठीक है, और नीचे क्या है कोस थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो ये है आपका साइन थीटा, और आगे देखो 1 माइनस इस 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 2, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे प्लस, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वेयर ए, नहीं बेटा यहाँ पे थीटा है, ठीक है, तो ये थीटा, और आगे नेक्स्ट क्या है, ये कोस थीटा वैसे ही, और 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। अब देखो नेक्स्ट मैंने क्या करा, साइन थीटा वैसे ही छोड़ दिया, और 1 में से 2 माइनस करा कितना आ जाएगा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वेयर थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा आपका कोस थीटा इंटू 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, ठीक है। फिर साइन थीटा इंटू, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ बेटा, सॉरी मैं यहाँ पे 2 छोड़ के गई हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। और देखो आगे मैंने क्या करा, इस 2 कोस स्क्वेयर थीटा को आगे लिख दिया, ठीक है, 2 कोस स्क्वेयर थीटा को आगे लिख दिया, और माइनस के 1 पीछे डाल दिए, ठीक है, नीचे ही कोस थीटा आगे लिख दिया और 2 कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 पीछे डाल दिए, ये दोनों तो आपके हो गए कैंसिल, तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मेरे पास बचा, तो और साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आपका क्या बन जाएगा भाई, ये मेरा बन जाएगा टेन थीटा, ये मेरा क्या बन जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो देखो बेटा मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो मैंने प्रूव कर दिया है, एक बार मैं आपको कैमरा घुमा के सारे का सारा क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये लो बेटा आप देख सकते हो, स्टेप बड़े सीधे थे, यहाँ से मैंने साइन कॉमन निकाला, नीचे से कोस कॉमन निकाला, अब ये आपका साइन स्क्वेयर क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वेयर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 में से 2 माइनस कर दीजिए, फिर इसको सीधा कर दीजिए, दोनों वैल्यूज कट हो गई और ये टेन थीटा बन गया, ठीक है। अब देखो बेटा यहीं पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन उतारा हुआ है, विच इज़ इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस कोसेकेंट ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को उठा रही हूँ, देखो बेटा साइन ए प्लस कोसेकेंट ए होल स्क्वायर ये मेरा है, लेफ्ट हैंड साइड उठाऊंगी मैं सबसे पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड में उठा रही हूँ साइन ए प्लस कोसेकेंट ए होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कोस ए प्लस सीकेंट, ठीक है ना, कोस ए प्लस सीकेंट ए होल स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। तो मैं इसके ऊपर ना ए प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रही हूँ, जो कि इसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होती है, मैं ये लगा रही हूँ। तो साइन ए प्लस कोसेकेंट ए होल स्क्वायर मैं इसको खोल रही हूँ, तो सबसे पहले मुझे साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि ये ए है और ये बी है, फिर मुझे बी का स्क्वायर चाहिए यानी कि कोसेकेंट स्क्वायर ए,
फिर 2ab चाहिए, यानी कि 2 sin a into cosecant a, ठीक है। तो मैंने इसके ऊपर आइडेंटिटी लगा दी है, इस पूरे के पूरे के ऊपर। अब मैं पीछे वाले के ऊपर आइडेंटिटी लगाती हूँ, cos a प्लस secant a होल स्क्वायर, ठीक है। आगे आ जाओ, ये क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस secant स्क्वायर a, और ये आपका क्या बन जाएगा, 2 cos a into secant a, ठीक है। अब देखो बेटा उसके बाद नेक्स्ट, तो देखो बेटा उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या करना है, साइन स्क्वायर ए को तो वैसे ही रहने दीजिए, कोसिकेंट स्क्वायर ए को भी बेटा वैसे ही रहने दीजिए, 2 sin a, और कोसिकेंट आपको क्या डाल दीजिए, कोसिकेंट को आप डाल दीजिए 1 upon sin a, क्योंकि आपका कोसिकेंट ए होता है ना 1 upon sin a के इक्वल, तो इसको तो मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। अब देखो नेक्स्ट, कोस स्क्वायर ए को भी वैसे ही रहने दीजिए, और सीकेंट स्क्वायर ए को भी वैसे ही रहने दीजिए, और 2 cos a को भी वैसे रहने दीजिए, और सीकेंट ए को खोल देना 1 upon cos a में, ठीक है। अब इतना खोलने के बाद देखो आपके पास आंसर खुद चल के आएगा, साइन ए के साथ साइन ए कैंसिल, और यहाँ से कोस ए के साथ कोस ए कैंसिल, ठीक है। तो देखो मेरा कितना सा आंसर बन गया, पहले अभी आंसर नहीं आया, मतलब थोड़े सा आंसर की तरफ बढ़ने लगे हैं, ठीक है। तो ये है आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए, और ये आपका 2 हो गया, और आगे क्या है आपका कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, और यहाँ से आपका 2 बच गया, ठीक है। तो ये 2 plus 2 कितना हो गया, 4, लेकिन मुझे बनाना कितना है, 7। चलो 4 तो बना है ना, कुछ तो बना, तो फिर मैंने इसको लिखा 4 plus sin square a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, अब ब्रैकेट हटा दीजिए और चीज़ों को इकट्ठा कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से कोस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे ही डाल दिया फिलहाल भी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, साइन स्क्वायर ए इनको उल्टा कर देना है, कोस स्क्वायर ए को आगे लेके आना है और कोसिकेंट स्क्वायर ए को पीछे लेके जाना है, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा 4 plus, साइन स्क्वायर ए की पोजीशन चेंज मत करना, इसको वैसे ही रहने देना, और कोस स्क्वायर ए को आप आगे लेके जाओगे और कोसिकेंट स्क्वायर ए को आप पीछे लेके जाओगे, ठीक है। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, आपको मैंने इसकी वैल्यू बताई हुई है कि कितनी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू आपकी 1 के इक्वल होती है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 4 plus 1 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए, ठीक है। तो 4 plus 1 आपका किसके इक्वल आ जाएगा, 5 के इक्वल। तो ये 5 तो बन गया हमारा, अब हमें 7 बनाना है, ठीक है। तो अब देखो भाई आपका कोसिकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, ठीक है, कोसिकेंट स्क्वायर आपका होता है 1 plus cot square a के इक्वल, ठीक है। और सीकेंट स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है भाई, 1 plus tan square a के इक्वल, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी और यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दी, तो ये कितना हो गया भाई, 5 and 1 6 and 1 7, यही मुझे चाहिए था, तो मेरा फर्स्ट तो बन गया। अब सेकंड देखते हैं उसने क्या पूछा, सेकंड उसने टेन स्क्वायर ए पूछा, तो मेरा टेन स्क्वायर ए भी आ रहा है भाई, और थर्ड उसने कोट स्क्वायर ए पूछा, और बीच में एडिशन का साइन है ना सभी जगह पर, तो मेरा सभी जगह पर एडिशन का साइन भी आ रहा है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इसको डाल दिया, और ये मेरा बन गया राइट हैंड साइड के इक्वल, और इससे मेरा प्रूफ हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बस आपकी इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन रहते हैं, वो आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर देंगे और आपका चैप्टर डन कर देंगे। ओके बेटा, थैंक यू।